Good morning, students. In the last video, we have discussed about the three properties of the colloidal solution. Today, we are going to discuss the another three properties of the colloidal solution, which are very important. Okay. So, पहली जो properties है charge on colloidal particle. जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, उन सब में कोई ना कोई चार्ज होता है. ठीक है, जैसे मैं अगर सपोज सिल्वर सोल ले लेती हूँ, सिल्वर का सोल बनाती हूँ, तो जो सिल्वर का सोल होगा ना, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सिल्वर सोल क्या होते हैं, इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो सिल्वर सोल में, ये सपोज सिल्वर सोल है, तो इसमें सिल्वर के पार्टिकल्स होंगे. ओके, और ये जो पार्टिकल्स होगा उसमें क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. ठीक है, तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज. कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो, हर एक कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और सब पे एक ही तरीके का चार्ज होगा. अगर मैं किसी पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करूँ, जैसे अभी मैं सिल्वर सोल की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं सिल्वर के, ठीक है, उन सब में नेगेटिव चार्ज ही होगा. ऐसा नहीं कि एक जो पार्टिकल उसमें पॉजिटिव है, एक दूसरा कोलाइडल पार्टिकल उसमें नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा. जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स उस सोल में प्रेजेंट हैं, उन सब में क्या होगा, एक ही चार्ज होगा. तो जो ये जो है पार्टिकल्स, उनमें नेगेटिव चार्ज है, तो डिस्पर्शन मीडिया जो है, जो डिस्पर्शन मीडिया होगा, उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव. सो ओवरऑल जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा. ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है उसमें नेगेटिव चार्ज है, पर जो डिस्पर्शन मीडिया है, मीडियम है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है. सो ओवरऑल दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिए, तो ओवरऑल जो है चार्ज जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन का. पर जो पार्टिकल्स हैं, समझ रहे हैं, कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होगा, कोई एक टाइप का चार्ज होगा. जैसे ये सिल्वर सोल है, तो हर एक पार्टिकल में क्या है, नेगेटिव चार्ज है. और ये जो मीडियम है, जो डिस्पर्शन मीडियम है, जिसमें डिस्पर्स फेस सस्पेंडेड है, उसमें पॉजिटिव अपोजिट चार्ज होगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर लें, और ओवरऑल जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. अब देखो इसके फायदे क्या होते हैं, अगर पार्टिकल्स में चार्ज हो गया तो. अगर ये चार्ज में, इस पार्टिकल में चार्ज है, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये एग्रीगेट नहीं होंगे, और अगर एग्रीगेट नहीं होंगे तो इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. अगर सपोज इनमें कोई चार्ज नहीं होता तो क्या होगा, ये इनमें वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, करीब आके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, और ये नीचे बैठ जाएंगे. क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अगर बड़ा हो गया उसका साइज, तो ग्रेविटी का इफेक्ट लगने लग जाएगा ना. ये तीनों मॉलिक्यूल हैं, पास आके ऐसा बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लिए, तो इनका वेट, इनका मास ज़्यादा हो गया. सो ग्रेविटी के इफेक्ट से ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कोआगुलेशन. तो अगर चार्ज होता है पार्टिकल में, तो उनमें क्या होता है, वो कोआगुलेशन नहीं होता, उनमें प्रेसिपिटेशन नहीं होता, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो काफ़ी स्टेबल होते हैं इन्हीं चार्ज की वजह से. क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनमें कोई ना कोई चार्ज होता है, और सभी पार्टिकल्स में एक जैसा चार्ज होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होगा. तो एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, एग्रीगेट नहीं होते हैं, नहीं तो ये एग्रीगेट हो गए क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. तो ओवरऑल क्या होती है, चार्ज की वजह से ही इनमें स्टेबिलिटी बनी होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की. ठीक, सो पार्टिकल्स में चार्ज होते हैं, और सब में सेम टाइप के चार्ज होते हैं, सेम चार्ज इन ऑल कोलाइडल पार्टिकल इन अ गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन. किसी गिवन सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं, सब पे एक जैसा ही चार्ज होता है. जैसे सिल्वर सोल बोलूँगी ना मैं, तो सिल्वर सोल, कोई भी मेटल सोल हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर सोल हो, सब में, सारे मेटल सोल में जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल के, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, सो कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं. ठीक है, तो जितने भी मेटल सोल्स हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज सोल्स. ओके, और जितने भी मेटल हाइड्राइड्स के सोल हैं, जैसे कि Al2O3 का सोल है, ठीक है, Fe2O3 का सोल है, ये सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज. और मेटल जो सोल हैं, मेटल सोल्स जो हैं, दे आर नेगेटिवली. ब्लड जो है पॉजिटिवली चार्ज सोल्स हैं. ठीक है, जो मेटेलिक सल्फाइड है, मेटेलिक सल्फाइड मतलब As2O3, ये मेटल का सल्फाइड है, As2S3 सॉरी, सल्फाइड बोल रहे हैं तो सल्फाइड होगा. सो मेटल सल्फाइड जो होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज सोल्स होते हैं.
ठीक है, ऑक्साइड पर, ये सल्फाइड जो हैं दे आर नेगेटिवली, पर जो ऑक्साइड होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होते हैं. सो किसी गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए अलग अलग टाइप का होता है, किसी में नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं. और ये मेटल सोल हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही होंगे, ठीक है, जबकि मेटल हाइड्राइड्स जो होंगे हमेशा पॉजिटिवली चार्ज सोल्स ही होंगे. तो ऐसा ज़रूरी है, ये ऐसा ही होता है, ठीक है. सो क्यों होता है उसका रीज़न हम लोग पढ़ेंगे अभी. तो समझ में आया कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उसमें चार्ज होते हैं. अब ये चार्ज आते कहाँ हैं भाई, कैसे आते हैं कोलाइडल पार्टिकल में, ये चार्जेस होते कहाँ से हैं, आते कहाँ से, तो उसके तीन रीजंस हैं. पहला रीज़न है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स. तो ये पहला रीज़न जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे. नीचे के दो जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है उसको हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है. ड्यू टू प्रिफ्रेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन्स फ्रॉम सॉल्यूशन, और थर्ड है ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है. ये तीन रीज़न है जिसकी वजह से जो सोल के पार्टिकल्स हैं उसमें चार्ज आ जाता है, ठीक है. तो पहला रीज़न जो हम डीप में पढ़ेंगे, इट इज़ ड्यू टू प्रिफ्रेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है. सॉल्यूशन से एड्सॉर्ब कर लेते हैं वो आयन्स को, ठीक है. कैसे एड्सॉर्ब करते हैं वो अब देखते हैं. रीज़न फॉर ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है. जैसे मैंने तीन रीजन बताए कि किसी भी कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज कैसे हो आ जाते हैं. तो पहला रीज़न तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. सेकेंड रीज़न जो इम्पॉर्टेंट है वो है ड्यू टू प्रिफ्रेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन. यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन्स का एड्सॉर्प्शन हो रहा है. जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे एड्सॉर्ब दी आयन. अब उनका प्रिफ्रेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है, मतलब वो प्रिफर करते हैं कि भाई मुझे किसको एड्सॉर्ब करना है, ठीक है. क्या होगा कि जो मीडियम होगा डिस्पर्शन मीडियम में, उसमें दो टाइप के आयन होंगे, तो उसमें से वो प्रिफर करेगा कि मैं कौन से आयन को एड्सॉर्ब करूँ. अब वो किस तरीके से प्रिफर करता है, वो उस आयन को प्रिफर करेगा जो एक्सेस में है, ठीक है, और विच आर कॉमन टू इट्स ओन लैटिस, जो एक्सेस में भी है और उससे कॉमन है, ठीक है, उसके उसके लैटिस से कॉमन में भी है, ठीक है. तो वो कौन से पार्टिकल को एड्सॉर्ब करते, कौन से आयन्स को एड्सॉर्ब करेगा जो ज़्यादा अमाउंट में है और विच इज़ कॉमन टू इट्स ओन लैटिस, उसके लैटिस से कॉमन में है. तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने हाईली डाइल्यूटेड AgNO3 लिया है, उसमें KI मिक्स किया है, डाइल्यूटेड KI. तो आप देखो ये हाईली डाइल्यूटेड है, मतलब इसका कंसेंट्रेशन कम है, ये एक्सेस में हुआ इसके कंपैरिजन में. दिस इज़ हाईली डाइल्यूटेड वन, दिस इज़ डाइल्यूटेड वन, ठीक है. सो जो हाईली डाइल्यूटेड है मतलब AgNO3 का अमाउंट कम है और KI का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है. अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा. अब ये जो AgI फॉर्म हुआ है, अभी AgI क्या करता है, क्योंकि आयोडाइड आयन जो है एक्सेस में है, ये एक्सेस में है हमारा, तो जो एक्सेस में है उसको ये क्या करेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा. और किसको एड्सॉर्ब, के और आई दो है, तो के को एड्सॉर्ब करेगा कि आई को एड्सॉर्ब करेगा, है ना. यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ के प्लस है और आई माइनस है, तो ये किसको एड्सॉर्ब करेगा, AgI उसको एड्सॉर्ब करेगा विच हैज़ कॉमन आयन, जो इसके लैटिस से कॉमन है. सो AgI में कॉमन क्या है, आई, तो वो किसको एड्सॉर्ब करेगा, आई को एड्सॉर्ब करेगा. और इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, AgI नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हाईली डाइल्यूटेड AgNO3 और KI को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है. हाईली डाइल्यूटेड है मतलब इसमें AgNO3 का कंसेंट्रेशन कम है और KI का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, वो एक्सेस में है, इतना समझ में आया. जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे दोनों, तो क्या बनाएंगे, AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा. अब ये जो AgI है वो क्या करेगा, जो डिस्पर्शन मीडियम में K प्लस और I माइनस है, उसमें से I माइनस को एड्सॉर्ब कर लेगा. अच्छा, K प्लस को क्यों एड्सॉर्ब नहीं किया, क्योंकि वो क्या देखता है कि कॉमन होना चाहिए, कुछ ना कुछ आयन कॉमन होना चाहिए, उसी को एड्सॉर्ब करेगा. सो I इसके साथ कॉमन में है, इसलिए उसने I को ही एड्सॉर्ब किया. इसलिए बोल रहे हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्बिंग, कि उसके पास या तो ये भी एड्सॉर्ब कर सकता था, ये भी एड्सॉर्ब कर सकता था, पर उसने क्या एड्सॉर्ब किया, I माइनस को. क्यों, उसने प्रेफर किया उसको एड्सॉर्ब करना बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन, दोनों में आयन कॉमन है. तो उसने DM का, ये जो I माइनस है वो उसको कहाँ से मिला है, KI से मिला है, और उसने उसको एड्सॉर्ब कर लिया और क्या बना लिया, नेगेटिव चार्ज कोलाइड बना लिया, ठीक है. जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया. पर अगर उल्टा होता, AgNO3 का एक्सेस में होता और जो KI है वो डाइल्यूटेड होता, ठीक है. अब क्या हो रहा है, KI डाइल्यूटेड है और AgNO3 ज़्यादा है.
सो अभी भी AGI तो फॉर्म होगा, पर अब किसका एड्सॉर्प्शन होगा? एड्सॉर्प्शन किसका होता है? जो एक्सेस में होता है और जो कॉमन होता है. सो एक्सेस में कौन सा है? AgNO3. कॉमन क्या है? AGI के साथ इसका कॉमन क्या है? Ag+. तो उसने Ag+ आयन को एड्सॉर्ब किया और इस तरीके से क्या बना लिया? अब जो पार्टिकल होगा, कोलाइडल का पार्टिकल, वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ठीक है. सो एड्सॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो उसको एड्सॉर्ब करते हैं जो एक्सेस में होते हैं और जो उसके साथ कॉमन होते हैं. कॉमन आयन होना चाहिए तभी एड्सॉर्ब होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक्सेस में कौन था? Ki. कॉमन कौन था? I. तो उसने उसको एड्सॉर्ब किया. यहाँ पर एक्सेस में क्या था? AgNO3, क्योंकि Ki डाइल्यूटेड वन था. तो AgNO3 एक्सेस में था. अब इसके साथ कॉमन क्या है? Ag. तो उसने Ag को एड्सॉर्ब किया. अब आपको पता है AgNO3 में Ag कैटायन है और NO3 नेगेटिव आयन है, एनायन है. तो वो कैटायन को एड्सॉर्ब करके क्या हो गया? उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया. ठीक है. इसको पेप्टाइजेशन में हमने पढ़ा था, ये मेथड याद होगा. पेप्टाइजेशन में ऐसे ही होता है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारा प्रेसिपिटेट होता है उसमें हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं. जैसे हमने यहाँ पर AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट डाला है ना, और उससे क्या हो जाएगा? इस कोलाइडल पार्टिकल में चार्जेस आ जाते हैं. ठीक है. तो ये पेप्टाइजेशन मेथड ही है. वो भी पेप्टाइजेशन मेथड किस पे बेस्ड है? ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस पे बेस्ड है. तो ये तो हो गया पहला एग्जांपल. एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया है फेरिक क्लोराइड का. ठीक है. तो पहला जो मैं फेरिक क्लोराइड का यूज़ कर रही हूँ, फेरिक क्लोराइड को मैंने हॉट वाटर में ऐड किया है. ठीक है. फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर में ऐड किया. तो यहाँ पर बनता है Fe2O3.XH2O. ठीक है. FeCl3 जो है इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है Fe2O3XH2O. अब देखो यहाँ पर FeCl3 में Fe आयन प्रेजेंट है, तो वो जो है Fe2O3 वो क्या करेगा? कौन से आयन को एड्सॉर्ब करेगा? Fe आयन को. क्यों करेगा? समझ में आया ना? क्यों कर रहा है वो Fe आयन को एड्सॉर्ब? क्योंकि वही कॉमन है इसके साथ, है ना. Fe2O3 के साथ कॉमन क्या है? क्लोरीन. तो कॉमन है नहीं, है ना. इसमें क्लोरीन है क्या? नहीं. तो जो कॉमन है FeCl3 में, Fe कॉमन है, तो उसको वो एड्सॉर्ब करेगा और एड्सॉर्ब करके क्या बना लेगा? पॉजिटिव चार्ज बना लेगा. तो अब जो कोलाइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया. पर अगर अब मैं जो हमारा ये Fe2O3 बना है, ठीक है, उसमें मैं NaOH डाल दूं एक्सेस में, तो क्या होगा? FeCl3 वाटर तो रहेगा ही, क्योंकि NaOH बनाएंगे तो वाटर तो रहेगा ही. ठीक है. तो अब जो बनेगा Fe2O3, अब वो किसको एड्सॉर्ब करेगा? OH आयन को. ठीक है. क्योंकि NaOH है, NaOH में एक तो सोडियम आयन है और OH आयन है. तो देखो इसमें H2O में भी क्या है? H2O में भी OH आयन है. तो किसको एड्सॉर्ब कर लेगा? वो OH आयन को एड्सॉर्ब कर लेगा. और कैसा बना लेगा? नेगेटिवली चार्ज. तो क्या एक्सेस में प्रेजेंट है और क्या कॉमन है वो डिपेंड करता है. पहले क्या बना? वाटर, सिर्फ वाटर था उसमें. FeCl3 और वाटर का जब ने किया, तो जो हमको कोलाइड पार्टिकल्स मिले वो किसको एड्सॉर्ब कर रहा है? फेरिक आयन को, क्योंकि वही उसके साथ कॉमन है और वो एक्सेस में भी है. पर यहाँ पर जब हम NaOH डाल देते हैं, तो अब वो, क्योंकि NaOH डाल दिए, तो वो किसको एड्सॉर्ब करेगा? OH को, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड बना है Fe2O3.XH2O उसमें OH कॉमन है. ठीक है. सो कभी भी जो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? ये एक्सेस में कौन है और कॉमन क्या है. ठीक है. सो ये पहला रीज़न था किसी भी कोलाइड पार्टिकल्स के चार्ज होने का. ठीक. अब जो दूसरा रीज़न है इट इज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. सो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में फिर से हम वही AgI का एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या था. AgNO3 और Ki, है ना, क्या बना? AgI. अब ये जो AgI है, अगर ये एक्सेस में हमारा क्या है? Ki है, तो वो क्या करेगा? आयोडाइड आयन को एड्सॉर्ब कर लेगा और क्या बना लेगा? इस तरीके से चार्ज पार्टिकल बन जाएगा. ठीक है. तो अब मेरा ये एक चार्ज पार्टिकल बन गया. इस पर ये AgI है, इस पर आयोडाइड आयन क्या हो गया? इस तरीके से आके चिपक गया.
ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड लेयर बन गया यहाँ पर एक। ओके, अब देखो डिस्पर्शन मीडिया में क्या बचा, क्या बचा? के प्लस बचा कि नहीं? पॉजिटिव आयन बचा, के प्लस, क्योंकि आयोडाइड आयन तो इसके चारों तरफ आ गए हैं। सो जो डिस्पर्शन मीडिया है, मीडियम है, उसमें क्या क्या है? आयन है, के प्लस आयन है, पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन, जिसमें से आयोडाइड आयन तो इसके चारों तरफ आ गया, तो इधर क्या बचा? प्लस चार्ज। तो ये जो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम जो आयन है वो क्या करेंगे? इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके इसके चारों तरफ आ जाएंगे, विच इज़ अ मूवेबल। ये जो होता है, ये जो लेयर है, इट इज अ मूवेबल लेयर, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके चारों तरफ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? कि AGI बना, AGI ने क्या किया? प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के थ्रू आयोडाइड आयन को एड्सॉर्ब कर लिया और कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। सो ये AGI, ये जो पूरा है, दिस इज AGI और आयोडाइड को एड्सॉर्प्शन के थ्रू ये बना, ये लेयर यहाँ तक का, ठीक है। अब ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और डिस्पर्शन मीडियम में पोटेशियम आयन है जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव आयन है पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और दूसरा लेयर बना लेंगे, विच इज़ अ मूवेबल लेयर, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्योंकि यहाँ पर दो लेयर फॉर्म हो गया है, एक तो ये माइनस चार्ज वाला और एक प्लस चार्ज वाला, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और यहाँ पर देखो, माइनस और प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, जिसको हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके, सो यही रीज़न है, दो रीज़न जिसकी वजह से किसी भी कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज आ जाता है। पहला तो है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस और दूसरा है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, वो ख़त्म होता है। अभी तक हम चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, पहले तीन पढ़े थे हमने, कलर, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट, और अभी पढ़े चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो इससे पहले वाले में देखा हमने कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसमें कोई ना कोई चार्ज होता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोलाइडल पार्टिकल में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज? उसका पता हम लगाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो मेथड है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल में क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे, जिससे क्या होगा? जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगेंगे, ठीक है। अगर कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और अगर हमारे कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से सेटअप होता है, एक यूट्यूब लेते हैं हम लोग और उसमें जिस भी कोलाइडल पार्टिकल को हमको पता करना है कि ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, उसको हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड हमने फिट किया, इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हमारा सोल नेगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा? यहाँ पर। और अगर हमारा सोल पॉजिटिवली चार्ज है तो किधर एक्यूमुलेट होगा? इस तरफ, ठीक है। सो अगर वो इधर एक्यूमुलेट हो गया तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा सोल पॉजिटिवली चार्ज था, और अगर कोलाइडल पार्टिकल इधर जाके एक्यूमुलेट हो गया तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है। तो एक सेटअप लिया हमने इस तरीके से, और इसमें जो है हमने सोल डाल दिया As2S3 का, ये सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड है, और मेटल सल्फाइड हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, याद रखना, मेटल सल्फाइड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सो ये मेटल सल्फाइड हमने उसका सोल ले लिया, यहाँ पर डाल दिया। सो क्या होगा, स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे ना, तो हर तरफ एक जैसा कलर होगा उसका, एक जैसा कलर पूरा, ठीक है। पर जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे, क्योंकि As2S3 नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा पूरा, ठीक है। As2S3 के जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो
AS2S3 के पार्टिकल्स हैं वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कलर डार्क रहेगा और इधर कलर लाइट होने लगेगा। तो यहाँ पर डार्क कलर का मतलब है जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर जाके क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं। कौन से पार्टिकल? कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। सो कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाके जमा हो गए हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारा सोल था उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल थे वो कौन से चार्ज थे, नेगेटिवली चार्ज थे। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कोलाइडल पार्टिकल में कौन सा चार्ज है, ठीक है। सो ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर देखोगे किसका मूवमेंट हो रहा है, कोलाइडल पार्टिकल का, ठीक है। अगर कोलाइडल पार्टिकल की जगह डिस्पर्शन मीडियम का अगर मूवमेंट होने लगे तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, किसका मूवमेंट हो रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स मतलब डिस्पर्स फेस का, है ना। पर अगर इस डिस्पर्स फेस की जगह हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि डिस्पर्शन मीडिया के पार्टिकल्स का मूवमेंट होने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। समझ में आया डिफरेंस इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, पैथोलॉजी लैब में बहुत यूज़ होता है, ब्लड टेस्ट में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस ब्लड टेस्ट भी होता है जिसमें हम पता लगा सकते हैं हीमोग्लोबिन कितना है, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चलती हैं, ठीक है। सो बायो वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, आगे शायद पढ़ते भी होंगे आप लोग 11th 12th में, नो आइडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज दी कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं दे सेटल डाउन। सो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं उनमें कोई ना कोई चार्ज होता है, ठीक है। अब कोई ना कोई चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो सेटल डाउन नहीं होते। पर अगर मैं किसी तरीके से इनमें जो चार्ज है उसको हटा दूँ, ठीक है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे ये चार्ज से उसको मैंने किसी भी तरीके से कोई भी मेथड से रिमूव कर दिया, सो रिमूव करने से क्या होगा, ये कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट हो जाके क्या हो जाएंगे, फाइनली सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो फाइनली सेटल डाउन हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम रहा, मतलब हम क्या हो गया, वो अब कोलाइडल सॉल्यूशन रहा ही नहीं वो, है ना, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ गए। सो उसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन, जिसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे सेटल डाउन, है ना। इसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, कुछ नहीं प्रेसिपिटेशन ही है, ये भी नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं जो पार्टिकल्स हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को रिमूव कर दे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो किस तरीके से कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो लियोफोबिक के लिए अलग टाइप के रूल्स हैं और लियोफिलिक के लिए अलग टाइप के रूल्स पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट था कि लियोफोबिक सोल क्या होता है। जब लियोफोबिक सोल में मैंने बताया था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे आर लियोफोबिक, मतलब दे हेट द डिस्पर्शन मीडियम, दे हेट द लिक्विड्स, ठीक है। तो जैसे सिल्वर है, सिल्वर और पानी का मिक्सचर बना सकते क्या आप? नहीं बना सकते। सिल्वर के छोटे छोटे टुकड़े ले लो और उसका बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। सिंपली बन जाएगा? नहीं बनेगा। पानी में घोलोगे तो बनेगा क्या? नहीं। पर स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन आप बना सकते हो, बना सकते हैं कि नहीं, है ना। एग का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, बट आप अगर सिल्वर के पार्टिकल्स हैं आप उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने बोलो तो नहीं बनेगा। तो सिल्वर जो पार्टिकल्स है इट इज़ लियोफोबिक, वो लिक्विड फ्रेंडली नहीं है, वो लिक्विड हीटिंग है, उसको हेट है लिक्विड से। तो अब उसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड पढ़े थे, पेप्टाइजेशन पढ़ा था, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर सोल बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड से हम बना सकते हैं कि हमने दो इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रोड ले लिए, मेटल के इलेक्ट्रोड, और उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, तो धीरे धीरे ये मेटल जो है क्या हो गए, मेल्ट होने लगे और इस तरीके से वाटर में क्या हो गए, आ गए। पर अभी भी ये स्टेबल नहीं है, ये अभी भी कोएगुलेट हो सकते हैं, है ना, अभी भी ये कोलाइड बना नहीं है। तो इसमें हम क्या मिला देते हैं, KOH मिला देते हैं। तो KOH मिलाने से ये जो सिल्वर है
ये पॉजिटिव आयन है तो ये OH आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरीके से उसको क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। तो अब ये क्या बन गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि अब इसमें चार्जेस आ गए हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये अब कोअगुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों का डाउट ये था कि लियोफोबिक है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना ही नहीं चाहिए, फिर कैसे बन जाता है? जब हम बोल रहे हैं लियोफोबिक है तो उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनना ही नहीं चाहिए, तो बनता कैसे है? क्योंकि उसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालेंगे तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है ना। मैंने सिल्वर को क्या किया, सिल्वर के बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल्स इसमें इतने डाल दिए, उससे कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसमें मैं और क्या डालूंगी, KOH एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डालूंगी, तो क्या करेंगे जो सिल्वर के पार्टिकल्स हैं ये OH आयन को एड्सॉर्ब कर लेंगे और क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गए हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने से क्या होगा, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, अगर पास आ जाते तो कोअगुलेट हो जाते। चार्जेस हैं इसलिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कोअगुलेट नहीं हो सकते। तो लियोफोबिक रियल में हेट करते हैं लिक्विड को, बट उसमें हम स्टेबलाइजिंग एजेंट डालेंगे तभी हमको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था लियोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, तो अब हम मेथड पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है जिससे हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोअगुलेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले हम मेथड पढ़ेंगे फॉर द लियोफोबिक सोल्स। ठीक है, कोअगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सोल। सो तो नहीं गया क्योंकि बहुत ही थ्योरी है, पूरी एकदम थियोरेटिकल है, काफ़ी समझाने की चीज़ें ज़्यादा है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, इट इज़ प्योर कंप्लीट थ्योरी। तो हो सकता है आप लोगों को नींद आ गई हो, तो थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाइए, उसके बाद ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, सो लियोफोबिक सोल को अगर कोअगुलेट करना है तो कौन कौन से मेथड है? पहला है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कोअगुलेशन हो सकता है। अब देखो, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या हो रहा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल है इधर आ गए हैं, ठीक है, इधर आ गए हैं कोलाइडल पार्टिकल, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज चला गया, और जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज चला जाएगा वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कोअगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, सो पहला मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसके थ्रू हम कोअगुलेशन कर सकते हैं। कोअगुलेशन में हमारा मेन एम क्या रहता है, जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसमें से चार्ज को हटाना। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को हटाना हमारा मेन एम है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो पार्टिकल्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के पास, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, और क्या होगा, चार्ज हट जाएगा पार्टिकल्स में, ये फिर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये पहला मेथड था कोअगुलेशन का, कोअगुलेशन करने का। दूसरा है बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सोल। दो अपोजिट सोल हैं, दो अपोजिट चार्ज्ड सोल हैं, उनको आप मिक्स कर दो तो भी क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर फाइनली प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जैसे कि जो AS2S3 है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, बट Fe2O3.XH2O ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप इन दोनों को मिला दो, ठीक है, इन दोनों को हम मिला देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, अब उनमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, जैसे ही वो चार्ज नहीं रहेगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, कोअगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सो दूसरा है बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सोल। थर्ड है बाय बॉइलिंग। ओके, थर्ड मेथड इज बॉइल। अगर आप किसी कोलाइडल सोल्यूशन को बॉइल करते हैं तो भी उनमें क्या हो जाता है, कोअगुलेशन हो जाता है। ठीक है, फोर्थ मेथड है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। आप बार बार डायलिसिस करोगे, ठीक है, उसको बार बार प्योरिफिकेशन करोगे तो भी ठीक है
ठीक है, बार बार अगर आप डायलिसिस करोगे किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का तो भी वो क्या हो जाएगा, कोअगुलेट हो जाएगा। कैसे? डायलिसिस में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट को हटा रहे थे, है ना। वी आर रिमूविंग द इलेक्ट्रोलाइट इन अ मिनिमम लेवल, ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ना हो, वो मिनिमम डिजायर्ड लेवल में ही इलेक्ट्रोलाइट हो। बट अगर आप बार बार डायलिसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट धीरे 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 कम होने लगेगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहा तो फिर वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स कोअगुलेट हो जाएंगे। अभी जैसे बताया लियोफोबिक में, है ना, लियोफोबिक में अगर आप सिल्वर का कोलाइड बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या डालना पड़ेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड से सिल्वर का कोलाइड बना लिया, पर उसमें अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एग्रीगेट होके फिर वापस से नीचे बैठ जाएंगे। तो आप बार बार डायलिसिस कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कम करे जा रहे हो, और बहुत ही कम हो गया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट रहा ही नहीं, तो उसका स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन और कोअगुलेट हो जाएगा। सो जो मेथड था फोर्थ, इट इज़ अ बाई परसिस्टेंट डायलिसिस। दूसरा है बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, कोअगुलेशन हो जाएगा। तो लास्ट रीज़न है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो भी कोअगुलेशन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट। यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कोअगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो लियोफोबिक अगर हमारे पास सोल है और आप उसको प्रेसिपिटेट कराना चाहते हो, उसका कोअगुलेशन कराना चाहते हो, तो ये हमने 5 मेथड्स पढ़े। इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सोल, बाय बॉइलिंग, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो ये मेथड हमने पढ़ा लियोफोबिक के लिए। अब हम पढ़ेंगे लियोफिलिक के लिए। सो लियोफिलिक को अगर आपको कोअगुलेट करना है तो उसके 2 मेथड हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो गया, एक्सेस में ऐड हो गया, तो भी कोअगुलेशन हो जाता है। और दूसरा है बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। कोई सूटेबल सॉल्वेंट अगर ऐड कर दें तो भी क्या हो जाएगा, उसका कोअगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एल्कोहल या फिर एल्कोहल और एसीटोन अगर हम ऐड कर देते हैं किसी भी लियोफिलिक सोल में, तो उसमें क्या हो जाता है, कोअगुलेशन हो जाता है। ठीक है, सो लियोफिलिक को अगर कोअगुलेट करना है तो 2 मेथड हैं। पहला मेथड है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, कोअगुलेशन कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट आ जाता है। और दूसरा है बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये 2 मेथड हैं जिससे हम लियोफिलिक सोल्स को क्या कर सकते हैं, कोअगुलेट कर सकते हैं। कोअगुलेशन मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जो चार्ज पार्टिकल हैं उनको डिस्चार्ज कर देना। ठीक है, तो उन पार्टिकल को डिस्चार्ज करने के अलग अलग तरीके हमने पढ़े, लियोफोबिक के लिए अलग, लियोफिलिक के लिए अलग। अब है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा कोलाइड स्टेबल रहे, उसको प्रोटेक्ट करना है। सो प्रोटेक्शन के क्या मेथड हैं? सो लियोफिलिक जो सोल होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। पर जो लियोफोबिक सोल हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल टाइप के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, लियोफोबिक जो सोल है उसमें लियोफिलिक सोल मिला देते हैं, जिससे लियोफोबिक सोल के ऊपर लियोफिलिक जो सोल है उसकी एक परत जम जाती है, और जिसकी वजह से वो जो लियोफोबिक सोल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, उसका कोअगुलेशन नहीं होता। सो ये मेथड है कोअगुलेशन से बचाने के लिए कोलाइड्स को। तो पहले हमने देखे डिफरेंट मेथड्स जिससे हम सोल को कोअगुलेट कर सकते हैं, फिर हमने देखा कि सोल को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट जो प्रॉपर्टी है कोअगुलेशन ख़त्म होती है। हमने टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, पहली थी टिंडल इफेक्ट, कलर, ब्राउनियन मूवमेंट, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, जिसमें हमने 2 रीज़न पढ़े कि किसी भी कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज क्यों आ जाता है। पहला था ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, और दूसरा था इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, अगली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो इलेक्ट्रोफोरेसिस थी, और लास्ट जो हमने पढ़ी इट इज़ अ कोअगुलेशन। ठीक है, कोअगुलेशन मीन्स कुछ नहीं, प्रेसिपिटेट हो, कोई कोअगुलेशन बोलते हैं। ठीक है,
सो और फिर हमने क्या पढ़ा कोएगुलेशन में कि किस तरीके से लियोफोबिक सोल्स को कोएगुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से लियोफिलिक सोल को हम कोएगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। कोलाइड अराउंडर्स और एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स को आप खुद पढ़ लेना, बहुत थ्योरी टाइप का है, आप पढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा अगर आप पढ़ोगे तो, है ना, पढ़ते तो हो नहीं, खैर अगर आप पढ़ते हैं खुद से तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं कोलाइड के, आपको अपने आसपास कहाँ पर कोलाइड दिखता है, जैसे स्काई का ब्लू दिखना भी एक कोलाइडल इफेक्ट ही है, फॉग, मिस्ट, रेन, ठीक है, फूड आर्टिकल्स, ये ब्लड, ये सब कोलाइड हैं जो हमारे आसपास के हैं, ठीक है। और कोलाइड का एप्लीकेशन क्या है, वाटर को प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रबर इंडस्ट्रीज़ में क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट, ये सब क्या है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड हैं, ठीक है। तो उसको आप खुद से पढ़ लेना, यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है। इसका टेस्ट जब लेंगे ओरल टेस्ट ही लेंगे। अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक से पढ़ेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि यूनिट 6 जो है वो आपके कोर्स से हट गया है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।